अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबुद्दीन शेख। और आज मतलब कुछ मदर प्लांट दिखाएंगे आपको। कुछ फल आया है, कुछ मतलब फूल पकड़ा है, इसी तरह है। कुछ फूल गिर भी गया, ठीक है, जो इस साल और फल लेने का मौका नहीं मिला। तो कुछ वैरायटी आज हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले वो चेरी तो मैंने पहले भी दिखाया, आज चेरी से ही शुरुआत करते। ये आप देखिए कि ये मतलब 2-4 हज़ार इसमें फल पकड़ा है कम से कम। आप एक बार थोड़ा कैमरा नज़दीक दिखाओ, ये देखिए किस तरीके से ये सब गिरने लग गया ऑलरेडी, ठीक है। और पंछी बहुत खाता है, लेकिन इस बार अभी भी क्यों नहीं खाया अभी तक, ठीक है। अभी भी तो बहुत है यार, नीचे तो बहुत सारा गिरा पड़ा है, ठीक है। ये रेड सूर्य नाम चेरी, ये देखिए कितना सारा, कम से कम 2-4 हज़ार तो है ही। और ये क्या होता ना, ये आपको कम से कम 6-7 महीना तक लगातार आपको फल मिलेगा। ये तो फल ख़त्म होते ही फिर फल आया, ठीक है। मैंने वीडियो में दिखाया किस तरीके से। और ये वाला भी, ये देखिए किस हिसाब से, इसमें देखिए किस हिसाब से, देखिए सिर्फ फल आया है, देखिए, ठीक है। इसमें तो बहुत कम है, लेकिन इसमें एकदम भरपूर। ये नीचे की तरफ दिखाओ, एकदम मतलब ना जाने कितना हजारों फल पकड़ा है, ठीक है यार। एकदम मतलब जो अभी खाना चाहते एकदम आके भरपूर खा पाएगा, बहुत बढ़िया फल पकड़ा है इसमें, ठीक है यार। इधर तो ये वाला खेत में बहुत कम आते हैं हम लोग, तो नज़र बुलाया नहीं कि इतना सारा पका एकदम पूरा रेडी। यार ये तो अभी छूने से ही मतलब गिरना शुरू हो गया, ठीक है। और हमने तो काफ़ी सारा बच्चों के लिए ले लिया, ठीक है। जो बच्चा लोग, मेरा वो बच्चा लोग ना, ये नहीं तो ये नष्ट हो जाएगा। और पंछी तो बहुत खाता है ये सब, नीचे देखिए किस तरीके से गिर के पड़ा है, ठीक है। ये देखिए तो बच्चा लोगों को लिए लेके रखा है, ठीक है। अच्छा ये वाला जो है, ये आपका मामी सपोटा नहीं है, ये ब्लैक सपोटा है, ठीक है। और ये मामी सपोटा की जैसा देखने में होता है, काफ़ी मोटा साइज़ का होता है। और ये ब्लैक सपोटा, ये बहुत बढ़िया वैरायटी, शायद अगले साल ये फल दे देगा। इसका 2-2.5 साल हो गया ऑलरेडी। और यहाँ पे जाबोटी का बाकी कुछ 2-4 वैरायटी है, ये भी शायद ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, शायद अगले साल से फल देना शुरू करेगा। ये सब हमने ज़मीन पे लगा के रखा है, ठीक है। हम ताकि हम डायरेक्ट, इधर भी एक वैरायटी है जाबोटी का बा का, ठीक है। उधर भी कुछ वैरायटी है, वो अलग दिन एक दिन दिखाएंगे जब फल पकड़ना शुरू करेगा, ठीक है। और ये वाला इसमें अभी फल आया नहीं, और इसका तो नाम क्या है ये भी मुझे याद नहीं है, ठीक है। ये ना जाने किस तरीके का फल देगा, ये तो फल हो रहे हैं अभी फिलहाल। ये सब साउथ इंडियन वैरायटी है, ठीक है। ये देखिए ये तो अभी कलर आना शुरू है, ये ना जाने कैसा वैरायटी है, इसका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी तो रमजान के महीने में नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। और ये एब्यू में भी ना, एब्यू ये आपका नॉर्मल जो एब्यू, उधर जॉइंट एब्यू में भी मेरा जो गमले में लगा हुआ उसमें भी फूल आ गया। अरे एब्यू में भी देखिए किस तरीके से फूल आना शुरू हो गया, ये नॉर्मल एब्यू हाँ। तो एब्यू में भी शायद हम लोग सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। और ये अपना रोलानिया का मदर प्लांट, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, ठीक है। काफ़ी बड़ा मतलब 10 फीट के आसपास इसका हाइट हो चुका है यार, ये तो काफ़ी मोटा, 3 साल जैसे इसका उम्र हो गया। और ये पहली बार फूल देना शुरू किया, ठीक है। अगर अल्लाह पाक चाहे तो इस बार भरपूर फल देगा, काफ़ी सारा फूल पकड़ा है एकदम, ठीक है। एकदम देखिए किस तरीके से सब फूल देना शुरू किया एकदम। अगर इस पर फल हो, ये काफ़ी मोटा साइज़ का, 1-1.5 kg वेट का बनता है यार। हमें तो इसका स्वादिष्ट लगा है केरल में खा के, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा मुझे। ये देखिए किस तरीके से इसमें सब फुलाना शुरू हो गया। तो ये रोलानिया शायद इस बार अगर 150 पीस फल अगर पकड़े तो खाने का मिलेगा, कुछ लोगों को तो मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत बढ़िया प्लांट बन गया, अरे इतना भी हाइट नहीं बना, जिस तरह साउथ इंडियन में काफ़ी बड़ा बन के तब फल देता है, हमारा इतना नहीं, 10 फीट जैसा हाइट होगा तो भी, ठीक है। तो अच्छा प्लांट बना है मेरा ये। और यहाँ पे ये रियो ग्रांड चेरी है, रियो ग्रांड चेरी में ये पहली बार फूल आया था, लेकिन ये वेदर तो हमारा इधर इस बार बहुत ख़राब गया, मतलब एक हफ्ता मतलब 8-10 दिन बाद बारिश हो गया, साथ में थोड़ा बहुत तूफान भी, तो इसीलिए इसमें फल पकड़ नहीं पाया। लेकिन इस बार फल देना अच्छा था मेरे लिए, ताकि ये इसका मतलब किस तरीके से फल पकड़े, किस तरीके से बने, हमें एक बार देखने का मौका मिलता और हम आसानी से सेल कर पाते इसको, ठीक है। तो ये भी मतलब लगभग 3 साल के आसपास से प्लांट का उम्र हो गया, ठीक है, रियो ग्रांड चेरी का। और इधर ये व्हाइट जामबूची को, जो व्हाइट कलर सिल्वर कलर की जो बनता है, अभी फल नहीं है लेकिन फूल है फिलहाल, शायद
इसमें भी काफ़ी सारा फल बनेगा इस बार। और ये आपका KG-10 जो KG-10 बोल रहे हैं, मतलब जो रामबूटान, मतलब 10 पीस में 1 KG है भी, इसका भी KG-10 बोला जाता है, ठीक है। ये रामबूटान है, उधर कुछ जैतून का प्लांट है, ये भी एक N18 रामबूटान की मादर प्लांट है, ठीक है। ये सब काफ़ी बड़ा हो चुका है, ठीक है। और ये जो है वो KG-10 ब्लैक जामुन, ठीक है। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा फूल आया है, ठीक है। और शायद इस बार फल पकड़ लेगा, ये पहली बार फल फूल आया है मेरा ये वाला प्लांट में। ये बड़ा मदार प्लांट है, बड़ा ही, मतलब कम से कम 10 फीट, पूरा चारों तरफ से 10 फीट जगह पकड़ के रखा है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा बन गया, तो इस बार अगर फल आए तो कैसा बनता है ये भी हमें देखना को मिलेगा। फल फूल तो बहुत पकड़ा है, ठीक है, फल तो इस बार आएगा इंशाल्लाह। और ये जो वाटर एप्पल है ना, ये हमने गुट्टी किया, ये सब फल बनते ही इसका सब खाना शुरू कर देता है। और ये सब ऑल टाइम वैरायटी, हमें देखने को दिखाने को मौका नहीं मिलता कि इसका हाइस्ट। ये हमने लास्ट एक पीस तोड़ा था, वो 100 ग्राम वेट हो गया था उसका, ठीक है। हमने ऑलरेडी इसमें गुट्टी बना दिया, ये बहुत बढ़िया वैरायटी है सब, मतलब पिंक टाइप के है, मतलब रेड कलर बोलना मुश्किल है, पिंक टाइप का है ये। और ये साल में 2-3 बार करके फल देता है, 2 बार किसी साल में, किसी बार किसी साल में 3 बार, इसी तरह करके, ठीक है। ये सब वैरायटी कॉमर्शियल के लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और इधर जो है ये वाला जो मदर प्लांट है, ये आपका जो किंग कॉन्ग वाटर एप्पल बोला जाता है, मतलब जितना भी वाटर एप्पल है सबसे मोटा वाटर एप्पल यही है। हमने कुछ फूल तो भी रख दिया ताकि कुछ फल पकड़े, कुछ आपको दिखाने का मौका मिले उस हिसाब से, ठीक है। और इसमें भी गुटी कलम कर दिया, इधर फल भी बन जाएगा। हमने तो इसका फल देखा, ठीक है, फल देखा, खाया भी, लेकिन आपको दिखाना तो ज़रूरी है। जितना हो सके लोगों से बचा के रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और इधर भी एक वैरायटी है, ठीक है, इसका जो इसका अभी भी नाम हमें पता नहीं, लेकिन एक ग्रीन कलर की होता है, ठीक है, जो हम लोग ग्रीन चंबा बोलते हैं। ये सब कमर्शियल के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, साइज में जैसा बनता है ठीक उस हिसाब से, मतलब इसका टेस्ट भी होता है, लेकिन ये कलर होता है ग्रीन में, ठीक है। इधर भी एक वैरायटी है ये वाला, ये सब कमर्शियल के लिए, लेकिन बेहतर वैरायटी होता है, ठीक है। ये रेड कलर की बनता है, लेकिन हल्का रेड होता है ये वाला, हाँ। तो ये सब तो साल में 2-3 बार इसी तरह करके फल देता है, ठीक है। तो हमने ये जो वाटर एप्पल का भी आज कुछ वैरायटी दिखाया, उधर दालेरी चंबा, उमेर चंबा, कुछ वैरायटी है, इधर भी कुछ अलग वैरायटी है, लेकिन ये सब वैरायटी एक्चुअली कमर्शियल में अच्छा है। नासिक के एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि बोला था कि कमर्शियल के लिए सबसे बेहतर वैरायटी कौन सा है, तो मैं कमर्शियल के लिए सबसे बेहतर वैरायटी, वो महंगा पड़ता है थोड़ा, लेकिन मैं कहूँगा कि रेड लॉन्ग वाटर एप्पल सबसे बेहतर है। और इसके बाद में दालेहरी या उमेर चंबा ये सबको नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि हो सकता है कि वो कलर में बहुत सुंदर होता है लेकिन स्वादिष्ट में इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ, लेकिन कमर्शियल की बात थोड़ा अलग होता है। कमर्शियल में मतलब फूड की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए, उसके साथ स्वाद भी होना चाहिए। तो मैं मतलब आप रेड लॉन्ग वाटर एप्पल की बात दालेहरी चंबा आप रख सकते हो, दालेहरी चंबा उमेर चंबा आप रख सकते हो, लेकिन कमर्शियल के हिसाब से आप ये रेड चंबा, ग्रीन चंबा ये सब रख सकते हो। ये काफ़ी मोटा साइज़ का बनता है, मतलब ये मिसाइल, मतलब ये लॉन्ग साइज़ का भी बनता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया, रेड लॉन्ग वाटर एप्पल के बाद कमर्शियल के हिसाब से ये सब आप रख सकते हो, ये बहुत बढ़िया वैरायटी। और शायद आप लोगों में से जो आएगा थोड़ा बहुत देखने को खाने को मिलता है मेरे पास, तो इस बार भी कुछ हमने तो बहुत सारा फूल आया था, कुछ तोड़ के कुछ रख दिया, ठीक है। तो फिर फल देखने को मिले, एक्चुअली ये सब तो ऑल टाइम के हिसाब से तो मतलब ये सारा साल थोड़ा बहुत मिलता है, कोई ना कोई पौधे में आपका फल मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही, अच्छा रहना, अल्लाह पाक आप सबको अच्छा रखे, अल्लाह हाफिज़।